आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम 150 रुपीस के अंदर कौन कौन सा मेकअप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बजट फ्रेंडली मेकअप की जो कि सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीस के अंडर है। प्लस मैं जो भी प्रोडक्ट्स आज आपको दिखाऊंगी वो वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स के हैं, वो कोई स्ट्रीट मेकअप नहीं है जैसे कि ADS और किस ब्यूटी टाइप की ब्रांड्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ एक्सक्यूज माई पिगमेंटेड नेल्स, मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया था थोड़े दिन पहले और उसकी वजह से ये हो गया। आई मीन टू से जब नेल एक्सटेंशन में मेरे नेल्स जो है वो बफ हुए थे और उससे मेरी अपर लेयर जो थी नेल की वो थिन हो गई एंड फिर मैंने रेड कलर की नेल पेंट लगाई तो उससे ये हाल हो गया। तो अभी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रही हूँ कि हाउ टू ग्रो आउट योर नेल्स एंड हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन नेल्स से, और मैं अभी आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट वीडियो राइट नाउ, तो मैं उसमें भी वीडियो बना रही हूँ, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आपको भी जानना है कि कैसे करते हैं। एंड ये जो लुक मैंने अभी वेयर किया हुआ है कि मैंने यही 150 रुपये के अंदर वाले मेकअप्स के द्वारा किया है, तो इसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी मेरे चैनल पर, तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए मेरे चैनल को। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मेकअप के एसेंशियल पार्ट होता है प्राइमिंग योर फेस। तो प्राइमर के लिए कोई प्राइमर नहीं है ऐसा कि मैं आपको बताऊंगी ये प्राइमर है इसको यूज़ कर लो, ऐसा कुछ 150 रुपये के अंदर अच्छी ब्रांड का कोई प्राइमर अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है। बट ये जो है लैक्टोकैलामाइन एंड एलोवेरा जेल, अगर आप इसको अपने मेकअप से पहले यूज़ करोगे तो ये प्राइमर की तरह वर्क करेगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा आपको। जो लैक्टोकैलामाइन होती है ये अपने फेस को मैट बना देती है एंड जो पोर्स हैं उसको भी फिल कर देती है। प्लस इसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि जैसे स्किन में टेक्सचर होते हैं ना, तो ये टेक्सचर को भी एक हद तक जो है इवन आउट कर देती है, तो जिससे कि जब आप ऊपर फाउंडेशन लगाते हो तो आपका फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है। तो लैक्टोकैलामाइन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर तो जैसे आपकी ऑयली स्किन है तो आपको लैक्टोकैलामाइन यूज़ करनी चाहिए, एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक तो ये मॉइस्चराइजिंग भी है एंड ड्राई स्किन में पोर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, और प्रॉब्लम होती है कि आपका जो फाउंडेशन है वो ड्राई पैचेस देता है, तो उससे आप एलोवेरा जेल यूज़ करके उसको मॉइस्चराइज कर सकते हो अपनी स्किन को। और ये जैसे स्टिकी होता है तो उससे फाउंडेशन स्टिक हो जाता है एंड लास्ट लॉन्ग करता है, तो ये दोनों ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं, ये ऑयली स्किन के लिए, ये ड्राई स्किन के लिए, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज कंसीलर। कंसीलर मैंने बहुत देखे, बहुत ट्राई भी किए, बट सबसे अच्छा कंसीलर मुझे यही वाला लगा। मैंने खुद प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे यूज़ किए हैं, बट मैं आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो मेरे लिए वर्क किए, क्योंकि मैं ऐसी झूठ झूठ बोल के आपका खर्चा नहीं कराऊंगी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसको जाके ले लो, और जबकि वो अच्छा भी नहीं होगा और आपके लिए वर्क भी नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कंसीलर के लिए ये ब्लू हेवन का है, 95 रुपीज़ का आता है, और इट सेज इट्स वाटरप्रूफ, बट वाटरप्रूफ का ऐसी है ठीक है, 6 शेड्स में आता है तो आपको आपका शेड भी इजीली मिल जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। प्लस इसमें गुड थिंग ये है कि ये थोड़ा सा पीची अंडरटोन के लिए है, तो ये मेरी स्किन पे वर्क करता है डार्क सर्कल्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पीची अंडरटोन है, मुझे डार्क सर्कल की ग्रेनेस और ग्रे जो ह्यू होती है उसको कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज फाउंडेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फाउंडेशन राइट है ना तो आपका पूरा बेस अच्छा लगता है, तो आप ऊपर कुछ भी कर लो वो अच्छा ही लगेगा। तो फाउंडेशन के लिए मेरे पास एक तो ये लैक्मे का फाउंडेशन है, परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, 145 रुपीज़ का आता है, आपके 5 रुपये बचा दिए मैंने ठीक है। या तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ये पॉन्स की बीबी क्रीम है, ये जो है ये थोड़ा सा येलो होता है, या आप इनिशियली लगाओगे तो आपको येलो लगेगा फेस पे, बट जब आप इसको ब्लेंड आउट कर लोगे तो बिल्कुल आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इसकी कवरेज भी मीडियम है और ये बिल्डेबल भी है और लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अपने फेस पर लगाया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड सिमिलरली जो पॉन्स की बीबी क्रीम है ये भी आप एज अ फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो, मतलब कि बेस एज अ बेस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है एंड पिगमेंटेशन भी बहुत है, इसकी बहुत पिगमेंटेड है एंड थोड़ा सा क्रीमी है, बट प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शेड में आता है जो कि है मीडियम स्किन टोन। अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सूट करेगा। आपको जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी उसके साथ के जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं वो या तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ठीक है, तो आप वो भी चेक कर लेना एक बारी। नाउ टू आई शेडोज। नाउ सिंगल आई शेडो तो आपको बहुत ही मिल जाएंगे 150 के अंडर, उनके भी सिंगल आई शेडोज आते हैं, मिस क्लेयर के आते हैं। सिंगल आई शेडो लेने का फायदा ही क्या हो, क्योंकि अगर आप 4 कलर भी ले रहे हो तो 400 रुपये तो आप भर ही रहे हो ना,
लाइक अगर 100 रुपये का भी एक कलर है तो आप 400 तो भर ही रहे हो. तो सिंगल आई शेडो तो बहुत ऑप्शंस है, बट पैलेट्स के ऑप्शन नहीं है 150 के अंदर. बट आई हैव 2-3 ऑप्शंस फॉर यू. वन इज दिस ब्लू हेवन की आई शेडो किट. मैंने सीरियसली ये आई लुक जो है इसी से ही क्रिएट किया, तो आप हिसाब लगा लो कि ये बहुत ही अच्छी होगी. पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी, थोड़ी सी इसमें ग्लिटरी पार्टिकल्स है. अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि कभी कभार अच्छे ही लगते हैं. ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और या तो उसकी फोटो भी इंसर्ट कर दूंगी ताकि आप देख लो. तो ये वाली जो आई शेडो पैलेट है ये मेरी तरफ से विन विन है, और ये है भी सिर्फ 120 रुपीज़ की है. और 120 रुपीज़ में आपको 120 रुपीज़ में आपको 12 शेड्स मिल रहे, तो 10 रुपये का एक शेड है, तो आपको और क्या चाहिए. और आई शेडोज के मैं आपको एक और ऑप्शन देती हूँ, जो कि ग्लिटर आई शेडोज. इंस्टाग्राम स्टोर है टीएस कॉस्मेटिक्स, ये वो सेल करते हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग है. ये ग्लिटर आई शेडो सेंटर में मैंने यही वाला लगाया हुआ है, एंड इसमें काफ़ी सारे लाइक शेड्स की तो कोई टेंशन नहीं है. आपको जोन सा कलर चाहिए वो वाला कलर मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और हैप्पी सिर्फ 100 रुपीज़ के हैं, एंड सीरियसली बोल रूँ दीज आर द बेस्ट ग्लिटर आई शेडोज आई हैव एवर यूज्ड. कोई फॉलोआउट नहीं होता, कुछ नहीं होता, लाइक लूज ग्लिटर नहीं है ये, क्रीमी ग्लिटर लाइक आई शेडो है. आपको बस लेना है और लगा देना है, लाइक आप नॉर्मली आई शेडो लगाते हो, तो कोई ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी, कोई ग्लिटर ग्लू कुछ नहीं लगाना, बस सीधा ये लो और लगा लो, लाइक आपका हो गया ग्लिटर का काम. नाउ फॉर ब्लश, आपके पास ये ब्लू हेवन का ऑप्शन है. ठीक है, इसमें 4 शेड्स आते हैं, मेरे पास 2 है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ. इतना अच्छा पिगमेंटेशन है इसकी, बहुत ही अच्छी, इसके साथ पफ भी आता है, ऐसा पफ भी आपको मिल जाएगा इसके साथ. तो ये कलर है दिस वन इज 504, एंड एक कलर है 505 मेरे पास. अगर आपकी थोड़ी सी डस्क स्किन टोन है, या फिर अगर आपकी थोड़ी सी डीपर कॉम्प्लेक्शन है, दिस इज द परफेक्ट हाइलाइटर फॉर यू. देखो, दिस इज द परफेक्ट हाइलाइटर फॉर यू. मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन एक बार ही बता देती हूँ, कितना प्रिटी कलर है. बिल्कुल आपकी फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप इसको एज अ ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो. मैंने इसको भी एज अ ब्रॉन्जर यूज़ किया हुआ है, तो ये बहुत ही अमेजिंग है. इसकी ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है. आई रियली लाइक दीज ब्लशेस, एंड ये है भी सिर्फ 125 रुपीज़ के है, तो 25 रुपये बच गए. नेक्स्ट स्टेप इज आई लाइनर. आई लाइनर के लिए दिस वन इज ट्रस्टी. मैं इसको अपने कॉलेज टाइम से इसको यूज़ करती आ रही हूँ. दिस इज़ द लैक्मे इंस्टा लाइनर. बहुत ही इनएक्सपेंसिव है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है. वाटरप्रूफ नहीं है ये, वाटर रेजिस्टेंट है. ब्लीड ऐसे ब्लीड नहीं करेगा पानी पड़ने पे, बट वाटरप्रूफ नहीं है ये. बट बहुत ही अच्छा है. इसकी ब्रश जो है वो थोड़ी सी मीडियम साइज़ की है, लाइक ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है. तो आई रियली लाइक दिस आई लाइनर. एलिटिंग का भी आई लाइनर आता है, वो भी बहुत अच्छा है. आप उसमें कलर्स भी आते हैं. अगर आपको कलर्ड आई लाइनर चाहिए तो आप एलिटिंग का भी यूज़ कर सकते हो. एंड एक ये ब्लू हेवन का आई लाइनर है, मैंने ये वाला एंड ये ब्लू हेवन की जो आई शेडो किट मैंने आपको दिखाई, ये दोनों मैंने nykaa.com से 180 रुपीज़ के लिए थे. तो आप इमेजिन कर लो हाउ चीप इट इज़. एंड काफ़ी अच्छा सिल्वर कलर का बहुत ही अच्छा आई लाइनर है. ऐसा नहीं है कि गंदी सी लुक देता है, बहुत ही अच्छी लुक देता है. और काजल के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. वैसे 150 के अंदर तो काजल के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. एक तो ये VLCC का है, ये पैक ऑफ 2 मैंने 150 का लिया था, 2 काजल ऐसे 150 के. और ये काफ़ी ब्लेंडेबल है, लाइक अगर आपको स्मोकी आई या इस टाइप का कुछ मेकअप लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए परफेक्ट है. और ये एक लैक्मे का है जो कि बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं, लाइक ये तो काफ़ी कॉमन सही है लैक्मे का. तो फेस पाउडर के लिए कॉम्पैक्ट के लिए ये वाला ऑप्शन है, जो कि बहुत ही अच्छा है. लाइक मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको ये कितना अच्छा है. ये मेबेलिन का वाइट सुपर फ्रेश 150 रुपीज़ का है. मेरा शेड पर्ल है इसमें. देखो मैंने कितना सारा यूज़ कर लिया इसको, बहुत ही टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. एंड ये ऐसा है कि आपके अगर स्किन पे थोड़ा सा भी अगर ऑयली फील हो रहा है तो अगर आप इसको इससे टचअप कर लोगे ना तो एकदम सेट हो जाएगा फेस. और बहुत ही अच्छा सा है ये, बहुत ही अमेजिंग है. लाइक अगर फेस को मैट करना है ना तो इससे बढ़िया चीज़ तो कोई है ही नहीं 150 में. नाउ मस्कारा के लिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि मुझे मस्कारा के लिए कोई ऐसा ऑप्शन मिला ही नहीं जो कि अच्छा भी और मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं आपको ऐसी कुछ भी गंदा सा प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी कि ये बहुत अच्छा है ले लो ये ले लो, और वो एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसे वेस्ट होंगे और आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा. मस्कारा के लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आई एम वेरी वेरी सॉरी. बट उसको कंपनसेट करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि आप पैक की आई लैशेज ले लो. आई लैशेज से आपकी जो मेकअप की लुक होती है ना वो एकदम कम्प्लीट हो जाती है और एकदम प्रोफेशनल सी लुक दे देती है. तो ये जो है पैक की आई लैशेज, ये 165 रुपीज़ की है. 15 रुपये की चीटिंग की है मैंने यहाँ पे, सॉरी. बट अमेजिंग आई लैशेज है, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता लगाए हुए, लाइक आपको फील नहीं होता लगाए हुए, पता तो चलता है, दिखता तो है कि लगाई है.
बट फील ही नहीं होता कि आपके आईज पे कुछ है, क्योंकि अगर हैवी आई लैशेज होती है तो वो बहुत ही, एक तो उसके जो बैंड होता है वो आँखों में चुभता है और बहुत ही हैवी फील होता है। बट इससे जो है इससे आपको बहुत ही लाइट वेट है, इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं है और 165 रुपीज़ की बजट फ्रेंडली है। इंडिया में ऑनेस्टली अगर आप ब्रांडेड आई लैशेज लेने जाओगे तो इससे सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। लिप्स में बस बहुत सारे ऑप्शन हैं लिपस्टिक के, आप ब्लू हेवन की लिपस्टिक ले सकते हो, आप एलिटिंग की लिपस्टिक ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है, और एक ऑर्गेनिक्स की लिपस्टिक भी बहुत अच्छी आती है। और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है ये मिस क्लेयर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम्स, बहुत ही कॉमन है, आपको पता ही होगा, 150 की ही मैंने ली थी। और अगर इससे महंगे अगर आपको मिले तो मुझे लगता है आपको लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये 120-150 की आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो। शेड रेंज इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, लाइक हर शेड आपको इस रेंज में आपको मिल जाएगा। द मेन थिंग विच आई रियली लव अबाउट इट कि ये बहुत ही लाइट वेट है, इतने में मैट है, बट फील इसकी क्रीमी है। लाइक आप देखोगे आपको लगेगा कि मैट लिपस्टिक है, बट फील करने में ये बहुत ही क्रीमी सी है, मॉइस्चराइजिंग है, और मतलब कि बहुत ही अच्छी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास 150 के अंडर जो कि मेरे लिए वर्क करे हैं, तो आई वॉन्ट कि आपके लिए भी वर्क करें, आप ट्राई करो, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे शॉली। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, पीप पीप। एंड अगर आपको देखना है कि ये मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया है तो मैं थोड़ी देर बाद इसका जो ट्यूटोरियल है अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।